थैंक यू। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। रजिस्टर करने में अभी तक टाइम लग रहा है, अभी तक हुआ नहीं है रजिस्टर की बात। क्या गलती हुई, क्या हुआ, आपको लगा कि वही हुआ जो विकास ने बताया था आकर के? हाँ ज़रूर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बट इंटेंशनल या पर्पसफुली नहीं था, मस्ती मस्ती में था। ओवरलुक अगर कोई करना चाहता तो उसको रीज़न नहीं बनाता, बट ऑब्वियसली इट्स अ गेम एंड सबको जीतना है, तो लोग एक दूसरे के पॉइंट्स के लिए ही वेट करते हैं। स्पेशली आप अगर फर्स्ट वीक में करणवीर को हरा के थ्रेड बनो, सेकेंड वीक में दीपिका को हरा के कैप्टन बनो और फिर लाइमलाइट में आओ, स्पॉटलाइट में आओ, तो केयरफुल रहना है, बट छोटी छोटी बात को इशू बनाया जाता, तो वही हुआ। जो भी हुआ ये हंसी मजाक में हुआ, इट वाज बिकॉज़ आई एम अ वेरी प्लेफुल गर्ल, मेरे को तो जैसे नाम भी अभी से दे दिया धमाका, क्योंकि मैं हर जगह धमाका मचाती रहती हूँ, क्योंकि आई एम लाइक द लाइफ ऑफ द पार्टी जो लोग बोलते थे। तो मस्ती चल रही है, ये गलती से पूल में गिर गई तो मैं और शिव गए इसको देखने के लिए, शिव को धक्का दे दिया, तो मस्ती दी। इट्स जस्ट कि अभी स्टार्टिंग का टाइम था एंड द माइक की हमें इतनी आदत नहीं है, गॉट कैमोफ्लेज्ड विद हिज ब्लैक टी शर्ट ओनली, तो इतना याद नहीं रहा रात को। मेरी गलती मैं मानती हूँ, बट क्योंकि हम कैप्टेंस थे तो इसको एक मुद्दा बना दिया गया। इसका दंड हमें ऑलरेडी बिग बॉस ने दे दिया था हमें नॉमिनेशंस में डाल के, बट अगर घर वाले चाहते, बट हमें घर वाले चाहते, पर उन्होंने फर्स्ट वीक में भी हमें नॉमिनेट किया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया था कि हम किसी से कम नहीं है, तो उन्होंने इधर भी फिर किसी ना किसी तरह वो वापस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बोल के कि आपकी नेचर भी अच्छी है, ये भी अच्छा है, बट ये गलती हुई तो इसलिए हम आपको नॉमिनेशन में डाल रहे हैं। तो दे कुड हैव सेव्ड अस, बट क्योंकि वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इतना स्ट्रॉन्ग ले रहे थे, फिर हमने कैप्टनसी टास्क बहुत अच्छे से किया, तो उन्हें डालना था नॉमिनेशन में, डल गए। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ नॉमिनेशंस में थे वो करणवीर और दीपिका थे, जो कि बहुत ऑलरेडी बहुत फेमस है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, तो कंपटीशन वाज जस्ट 1:1 देखा जाए तो घर का कोई सदस्य ऐसा है जो लग रहा था आप लोगों के लिए गेम खेल रहा हो और आप लोगों को बाहर निकलवाने में जिसका हाथ होता है? कुछ एक्चुअली करणवीर ही खेल गए, करणवीर बोरा देखा जाए, लेकिन आपने उनसे नॉमिनेशन थोड़ा डिस्कस नहीं नहीं, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, मैंने उनसे कोई नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करे। नॉमिनेशन डिस्कस करना होता है कि मैं और वो, मैं जाके बोलूंगी सुनो लेट्स प्ले टुगेदर और चलो सृष्टि को नॉमिनेट करते हैं, या चलो दीपक और उर्वशी की जोड़ी को नॉमिनेट करते हैं। नहीं, मैंने एक दोस्त की तरह उन पर भरोसा किया, मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए, बिकॉज वी शेयर अ गुड बॉन्ड, बट इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने मुद्दा बनाया जिसकी वजह से पूरे घर में उन्हीं के कर्मों की निंदा हुई है। अभी सलमान जी के साथ हमने वीकेंड का वार शूट किया, उसमें भी वो दोगुले प्रूव हो गए कि हाँ अगर आप 15 मिनट किसी के साथ डिस्कस करते हो सेम चीज़ तो यू आर इक्वली कल्प्रेट। अगर वो रूल ब्रेक कर रही थी तो पहली बार में बोल देना था कि गर्ल मैं नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर रहा, बट नहीं, आप 15 मिनट इन्वॉल्व होते हो और फिर आप ये बोलते हो कि इसने नॉमिनेशन डिस्कस किया, सो डूड आपने अपनी निंदा खुद करवाई है। तो शिव को मिस करने जा रहे हो? आपकी भी बहुत अच्छी दोस्ती है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, ही इज आई गेस हम तीन बहुत वी आर थ्री बेस्ट एंड मेरा उनसे इस घर में सबसे पहला इक्वेशन बना है, जो यू नो जब टाइम आया बहुत बार ही टुक अ स्टैंड फॉर मी एंड मैं रोती थी तो मेरे को समझाते थे कि मैं फ्रेंड किस बात का अगर तू मेरे रहते हुए रोई गया ना, इज सो केयरिंग, सो जेन्युइन, एवरीवन इज अ वेरी स्वीट गाय। तो कौन बनने जा रहा है बिग बॉस का विनर अकॉर्डिंग टू यू गाइस? अगर मैं नहीं हुई तो मैं आ जाऊंगी तो ठीक है, वरना आई थिंक शिव को होना चाहिए, हां अगर, या फिर दीपक जी भी वाइल्ड कार्ड में मैं आई तो डेफिनेटली मी, अदरवाइज आई वुड लव टू सी ईदर दीपक और शिव टू बी अ विनर। चलो हमारी तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी विशेस, थैंक यू सो मच।